नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। दो परिवार चला रहे हैं राजनीति का साम्राज्य, पर हनुमानगढ़ जंक्शन में नहीं बन पाया बड़ा राजकीय चिकित्सालय। विडंबना देखिए, हनुमानगढ़ को जिला बने 27 वर्ष हो चुके हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन में इतनी आबादी होते हुए भी रोगियों की भर्ती का इलाज भी सुविधा नहीं दे पाया है स्वास्थ्य विभाग। रोगी भर्ती करना है या आपात स्थिति में ट्रॉमा सेंटर में जाना है तो हनुमानगढ़ टाउन राजकीय चिकित्सालय की दौड़ हमें लगानी पड़ रही है। हैरानी की बात यह है कि अगर हम राजनीति पृष्ठभूमि पर नज़र डालें तो राजनीति की धुरी दो परिवारों पर ही जिला बनने पर घूम रही है। अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जब से जिला बना है विधायक बनते आ रहे हैं, साथ ही मंत्री का ओहदा भी उन्हें प्राप्त होता ही रहा है। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वर्तमान विधायक चौधरी विनोद कुमार विधायक बनते आ रहे हैं और एक बार मंत्री भी वे बन चुके हैं। दोनों पार्टियों के राजनीतिज्ञ हनुमानगढ़ जंक्शन में ही निवास करते आ रहे हैं। साथ ही अगर हम राजकीय कार्यालयों की बात करें तो जिला कलेक्टर कार्यालय के साथ साथ सभी लगभग कार्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में स्थापित किए हुए हैं। रिले केंद्र के पास एक राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ जंक्शन में बनाने की बातें भी चली, पर वह भी फाइलों में प्रस्ताव दबकर रह गया है। अभी तक उस पर भी कुछ भी नहीं हो पाया है। वर्षों से चल रही हैं ये बातें, पर हनुमानगढ़ जंक्शन में नहीं बना है बड़ा चिकित्सालय। कोरोना काल में राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में रोगियों की भर्ती करने का इलाज करने की व्यवस्थाओं को करने में पसीने छूट रहे हैं। अगर हनुमानगढ़ जंक्शन में बड़ा चिकित्सालय बना होता तो एक तो सरकार से हनुमानगढ़ ज़िले को दो चिकित्सालयों का बजट मिलता तथा साथ ही कोरोना रोगियों को उपचार देने में हाहाकार नहीं मचता। आए दिन चिकित्सक दबाव में अपनी ज़िंदगी व्यतीत नहीं करनी पड़ती। अभी भी समय है सभी पार्टियों को एक मंच पर आकर स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलजुल कर बढ़ाने में आगे आना चाहिए, तभी जनता को सुकून मिल पाएगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।